Dear students, hope you are fit and fine. Let us continue the journey of the preparation of haloalkanes and haloarenes. Now, the second point is to pre preparation from alkenes. this is uh, also one of the most important topic कि how do we prepare halo alkenes from alkenes इससे related questions भी आते हैं तो और इन्हें सॉल्व uh, करना बहुत ईजी होता है कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एल्कीस की अगर बात की जाए तो सिंपलेस्ट एल्कीन वॉट वी कैन राइट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू जो इथीन है ये हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन है नाउ अगर हम इसको हाइलोजन एसिड के साथ ट्रीट कर दें सपोज हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एच बी आर के साथ एच बी आर सो वॉट विल हैपन यू नो दैट कि जो एल्कीन होता है इनमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है वन इज़ सिग्मा बॉन्ड अनदर इज़ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड इज़ वीक सो इट इज़ ब्रोकन ईजिली जल्दी ही ये ब्रेक हो जाता है और एल्किन्स जो होते हैं दे अंडर गो एडिशन रिएक्शंस ये एडिशन रिएक्शन शो करने लगते हैं देखिए है किस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है सी एच अब इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी एच टू के साथ में हम लगा देते हैं बी आर दिस इज कॉल्ड वन ब्रोमो इथेन नाउ अब बात यह है कि दिस इथेन इज सिमिट्रिकल एल्कीन ये कैसा है सिमिट्रिकल एल्कीन है वॉट आर द सिमिट्रिकल एल्कीस द एल्की विच कैन बी इक्वली डिवाइडेड इन टू द टू टू हाफ इफ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन थ्रू द डब्ली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स ये जो डब्ली बॉन्डेड कार्बन है या डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रजेंट है अगर मैं इस पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करूँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो अब आप देखिए आपको दो बराबर बराबर पार्ट मिल जाते हैं कि वेन यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द डबल बॉन्ड यू गेट द टू इक्वल हाफ्स तो सच काइंड ऑफ एल्कीन इज़ नोन एज इस ऐसी एल्कीन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्किन्स अब सिमेट्रिकल के बाद अगर हम बात कर लें अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अगर ले लिया जाए तो फिर हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे समझिए वो आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का है हियर अब हम कोई ऐसा एल्कीन ले लेते हैं विच इज़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिस इज़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज़ प्रोप वन इन इसको हम प्रोप वन इन कह रहे हैं एंड नाउ हियर वी कैन बी गिवेन लाइक एच आई दे सकते हैं ये एच बी आर दे सकते हैं और एच सी एल दिया जा सकता है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगर हम इस पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगाएंगे तो उस केस में आम तौर पर एच बी आर ही गिवन होता है ओके okay? तो हियर वी यूज़ वन हेलोजन एसिड सपोज एच बी आर ही यूज़ कर लेते हैं वॉट अर्लियर वी हैव यूज अब देखिए इन दिस केस बी आर इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव

तो वी आर नॉट गेटिंग द टू इक्वल हाफ्स हमें दो बराबर हिस्से इस एल्कीन के नहीं मिलेंगे इसका मतलब यही होता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्किन्स हैं उन पे कुछ लॉज लगेंगे हियर वी डोंट हैव एनी प्रेजेंस एनी सब्सटेंस कोई किसी की स्पेसिफाइड केमिकल की प्रेजेंस नहीं है तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन क्या कहता है वेन एन अनसिमिट्रिकल रीजेंट अटैक्स ऑन अनसिमिट्रिकल एल्कीन देन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गेट अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड द निगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गेट अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स तो इसके देखा गया तो भाई हम लोग लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एच अब देखिए इस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है तो इस पर रीजेंट का नेगेटिव पार्ट आएगा ये है बी आर आफ, आफ्टर वर्ड वी गेट सी एच थ्री तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग ये मेजर प्रोडक्ट है टू ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट है बहुत थोड़े अमाउंट में हमें वन ब्रोमो प्रोपेन भी मिलेगा लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं दिस इज टू ब्रोमो प्रोपेन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ एडिशन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने लिखा है इसे लिखा है हमने मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन के अकॉर्डिंग दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ अब देखते हैं कि इन प्लेस ऑफ दिस two bromopropane we want to prepare one bromopropane then what changes are required is the same rule is applicable or some modifications are to be made so according to khairas if we take the organic peroxide agar hum organic peroxide le then what will happen the reaction गिव वन ब्रोमो प्रोपेन हाउ लेट अस सी वी हैव सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज प्रोपे प्रोप वन इन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन अब यहाँ पे ले लिया है हमने एच बी आर बी आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव प्रेजेंस जो है यहाँ पर बेंजोइल पर लिया जाता है आमतौर पर बेंजोइल परसाइड रिम्बर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक परॉक्साइड यूज़ करेंगे ओके okay? ना कि हाइड्रोजन परॉक्साइड यूज़ करना है में. हमें हमें यूज़ करना है ऑर्गेनिक परॉक्साइड तो हियर आई विल राइट मोस्ट कॉमनली यूज ऑर्गेनिक परॉक्साइड दैट इज़ बेंजोइल परॉक्साइड सी सिक्स एच फाइव सी ओ होल्ड ओ टू दिस इज बेंजोइल परॉक्साइड Then, now the addition will occur according to the anti-Markovnikov rule. What does this anti-Markovnikov rule states? According to anti-Markovnikov's rule, when an unsymmetrical reagent attacks on unsymmetrical alkene, the positive part of the reagent get attached to the carbon having less number of hydrogen atoms, and the negative part of the reagent get attached to the doubly bonded carbon which has the more number of hydrogen atoms so here we get the product ch3 ch2 ch2 and br this is the major product 1 bromo propane this is the major product here in very small quantity, two bromopropane will also be produced but we are not writing we are writing only and only the major product. Now, one important point which is to be noted okay, the Markonikov addition occurs in the occurs through the carbocation formation while the anti markonikov addition, is the free radical governed reaction? This is anti-Markovnikov addition. Anti-Markovnikov's addition, or also we call it peroxide effect. राइट right. तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है नाउ अब हम चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हियर वी आर गिवेन वन प्रॉब्लम लेट एस सॉल्व द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज यू आर प्रोवाइडेड विद वन एल्कीन हियर हाइड्रोजन यहाँ पे सी एस थ्री है यहाँ भी सी एस थ्री है यहाँ पर भी सी एस थ्री है इन जगहों पे कार्बन होता ही है अब इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए एच बी आर के साथ तो फिर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा इससे क्या प्रोडक्ट मिलता है देखिए ये दो ऐसे कार्बन एटम्स हैं दिस इज द कार्बन एटम एंड दिस इज द कार्बन एटम अब ये डबली बॉन्डेड दो कार्बन एटम्स हैं जिनमें कि इस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ लगा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप और इस ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव तो यहाँ परऑक्साइड की एब्सेंस है प्रेजेंस नहीं है प्रेजेंट यहाँ पे परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है देन क्या होगा कि भाई जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट है इट गोज़ टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट मीन्स कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा जाके एंड वी विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि कार्बन और हमें ये हाइड्रोजन एज इज इट इट इज लगा हुआ है अब यहाँ पे हमने लिख दिया है सी एस थ्री फॉलोड बाई वन हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन और लग गया डबल बॉन्ड इज़ क्लीव्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुकी है एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड ये कंपाउंड हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा विद बी आर ये हो जाएगा सी एस थ्री सो दिस वुड बी द प्रोडक्ट आप इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में ठीक से लगा लीजिए तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे जैसे ये लिखा है सी थ्री मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सी एच थ्री देन फॉलोड बाई सी एच टू फिर यहाँ पर देखो क्या कह सकते हैं C और इसके साथ लगा हुआ है एक BR आर एंड वी हैव सी एस थ्री टू सी थ्री ग्रुप्स वी हैव तो दिस इज द प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा और जो भी ये प्रोडक्ट बना करें आप लोग कोशिश करिए कि इनका नेम भी लिखते चलें ओके जैसे इस वाले का है अगर आपको नाम लिखना है सो वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट दिस कार्बन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड फोर तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा टू ब्रोमो टू मिथाइल टू ब्रोमो टू मिथाइल देन ब्यूटेन ये प्रोडक्ट बन जाएगा होप ये आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से इसे समझने की कोशिश की है और इस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स करिएगा आप देख लें प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो भी मेथड्स आज डिस्कस किए गए हैं इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें आप लोग सॉल्व करिए जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ कुछ और रिएक्शंस के साथ थैंक यू गॉड ब्लेस यू टेक केयर